हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश एंड वेलकम टू आकाश ग्राफिक्स। दोस्तों, ये है हमारे प्रीमियर प्रो का सेकेंड वीडियो मींस पार्ट टू, और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट पैनल और सोर्स पैनल के बारे में कि प्रीमियर प्रो के अंदर प्रोजेक्ट पैनल और सोर्स पैनल कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लोअर लेफ्ट में है हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे हम जो भी हमारे फाइल्स हैं जो हम एडिटिंग में यूज़ करने वाले हैं, जो रॉ फाइल्स हैं लाइक वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, वो सारे इंपोर्ट करते हैं। ओके, और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं या जो वेज हैं इंपोर्ट करने के, वो है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ राइट क्लिक, और मैं जा सकता हूँ इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में जाने के बाद मैं जा सकता हूँ जहाँ पे भी मैंने अपने एसेट्स रखे हैं या रॉ फुटेजेस या वीडियोस रखे हैं वहाँ पे, और सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं एक सिंगल वीडियो सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं ये पूरा फोल्डर है उसे ही इंपोर्ट कर लूँ। यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर का ऑप्शन है मेरे पास, तो हम इसे यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके, सेम अगेन जो दूसरा तरीका है वो ये कि हम जा सकते हैं फाइल में इंपोर्ट, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल आई शॉर्टकट अपने कीबोर्ड पे, एंड जहां से भी आपको फाइल लेना है, आपको वीडियो सेलेक्ट करना है वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है पूरा फिर से फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल मैं एक सिंगल इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ ओपन करता हूँ इसको। ठीक है, तो वो यहाँ मेरे प्रोजेक्ट पैनल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके आपके फाइल को इंपोर्ट करने के। जो तीसरा तरीका है वो ये कि आप कर सकते हैं डबल क्लिक प्रोजेक्ट पैनल पे, और अगेन ओपन हो जाएगा आपका फाइल लोकेशन, तो या फिर आप ब्राउज कीजिए फाइल लोकेशन तक। अब इस बार मैं MP3 फोल्डर पूरा ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने अपना MP3 फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और मैं इम्पोर्ट फोल्डर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने पहला किया कि हमने राइट क्लिक किया और वीडियो इंपोर्ट किया पूरा फोल्डर। सेकंड जो हमने किया वो ये कि मैंने फाइल मेन्यू में जाके इंपोर्ट किया, एंड थर्ड ये किया हमने कि हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल पे और फिर इंपोर्ट किया। आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं मीडिया ब्राउजर में, और मैं जहाँ पे भी मेरी फाइल्स हैं लाइक मैंने अपने फाइल्स इस ड्राइव में रखे हैं, तो यहाँ जाके मैं फोल्डर पे या पर्टिकुलर इमेज पे जाके राइट क्लिक करके इसको भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से भी। तो ये हो गया आपका चौथा तरीका। प्रीमियर प्रो के अंदर हम फोल्डर्स को बीन कहते हैं। ओके, एंड किसी भी पैनल को, चाहे वो प्रोजेक्ट पैनल हो या सोर्स पैनल हो, टाइमलाइन हो, प्रोग्राम पैनल हो, किसी भी पैनल को मैक्सिमाइज करने के लिए या रीस्टोर करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे टिल्डा की। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट पैनल है वो मेरा मैक्सिमाइज हो जाता है, और अगर मुझे वापस रीस्टोर करना है तो मैं सेम की वापस प्रेस कर सकता हूँ। ओके, टू रीस्टोर, तो हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास है यहाँ पे पहला जो है वो लिस्ट व्यू, तो हम लिस्ट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो है वो मेरा इमेज है, देन MP3 है, एंड देन वीडियोस के बीन है। ओके, ये तीन है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका लाइक मीडिया टाइप क्या है वो लिखा है। जैसे पहला मेरा स्टिल इमेज था, बीन है दोनों। ओके, वीडियो का इन्फो या इमेज का इन्फो जो है मेरा साइज क्या है। अगर मैं यहाँ पे टैब ओपन करूँ लाइक वीडियोस के, डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे फ्रेम रेट। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट अगेन वीडियो इन्फो, यहाँ पे साइज। ओके, तो इन मेटा डेटा में से लाइक ये जो ऊपर लिखे हुए हैं वो मेटा डेटा है। ओके, उनके डिटेल्स हैं। अगर इसमें से मुझे कुछ हाइड या शो करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ राइट क्लिक मेटा डेटा डिस्प्ले, और हम जा सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, एंड मैं यहाँ से कुछ चीज़ें अनचेक कर सकता हूँ। लाइक मुझे फ्रेम रेट नहीं चाहिए तो मैं इसको अभी अनचेक कर सकता हूँ, एंड मैं क्लिक कर सकता हूँ ओके। तो वहाँ पे देखिए अब फ्रेम रेट गायब हो गया मेरा। ओके, अगेन हम इसको ऑन कर लेते हैं राइट क्लिक मेटा डेटा डिस्प्ले, और हम जाते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर और फ्रेम रेट को मैं चेक कर देता हूँ एंड ओके।
हम चाहे तो इन मेटाडाटा को रीअरेंज कर सकते हैं या हर कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं मीडिया स्टार्ट के कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, थोड़ा सा मीडिया एंड के कॉलम को इंक्रीज कर दूं, तो मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूं इसको यहां से। ओके अगेन अगर मैं चाहता हूं कि इसके सीक्वेंस को मुझे चेंज करना है, लाइक मुझे मीडिया टाइप पहले चाहिए, तो मैं इस मीडिया टाइप को ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा मीडिया टाइप फर्स्ट हो जाएगा, देन हो जाएगा फ्रेम रेट। तो हम ऐसे ड्रैग करके चेंज भी कर सकते हैं। ओके अगेन हम चलते हैं वापस और आ जाते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन जो कि है आइकॉन व्यू। तो यहाँ पे आइकॉन व्यू को आप रिसाइज कर सकते हैं इस स्लाइडर के थ्रू। ओके तो मैं अगर छोटा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ या फिर मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ साइज। ओके अगेन यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं ओपन करने के लिए कोई भी बीन। ओके एंड देन सेम सारी प्रॉपर्टी सेम है, आप सेम वे कॉलम को रिसाइज कर सकते हो, मेटा डेटा को रीअरेंज कर सकते हो। ओके आप डिटेल्स देख सकते हो यहाँ पे। इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं आइकॉन व्यू में। एंड अगर मुझे अब रीअरेंज करना हो वीडियोस को, तो मैं ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ वीडियोस को रीअरेंज करने के लिए। ओके यहाँ पे आप वीडियोस को लाइक प्रीव्यू करने के लिए होवर स्क्रब कर सकते हो वीडियो के ऊपर। जब भी देखिए मैं अपना माउस मूव करता हूँ तो वो वीडियो वहाँ पे प्ले होता है, बट जैसे ये वीडियो क्लिप यहाँ पे जो है वो सेलेक्टेड नहीं है अपने बीन के अंदर एंड ये सेलेक्टेड है, तो अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ करूँ तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा। जब भी कोई फुटेज आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उसको प्ले करने या पॉज करने के लिए आपको स्पेस बार यूज करना पड़ता है। ओके तो मैं यहाँ पे जब स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वो प्ले होता है, अगेन मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वो पॉज हो जाता है। सेम वे ये सेलेक्टेड नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे माउस स्लोली मूव करूँ तो ये प्ले होगा। ओके फिर मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्पेस बार यूज कर सकता हूँ इसको प्ले एंड पॉज करने के लिए। ठीक है ओके तो चलते हैं अगेन, इसको करते हैं रीस्टोर और हम आ जाते हैं अपने सोर्स विंडो पे। ओके प्रोजेक्ट पैनल के बारे में मैंने मैक्सिमम सारा कुछ आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है प्रोजेक्ट पैनल से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके अब हम जाते हैं सोर्स मॉनिटर की तरफ। ओके तो सेम वे यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज या मैं रिस्टोर करने के लिए टिल्डा की यूज कर सकता हूँ एंड किसी भी फुटेज को लोड करने के लिए यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर मुझे ये फुटेज चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ तो वो मेरे सोर्स मॉनिटर पे लोड हो जाएगा। ओके और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है इसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल फुटेजेस यहाँ पे चाहिए, लाइक मुझे ये वाला फुटेज भी यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी लोड हो जाता है यहाँ पे। ओके अगेन फिर मैं अगर ये रॉबिन वाला फुटेज लेता हूँ तो इस पर भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी लोड हो जाता है। तो जब भी अगर आपको वापस से फर्स्ट फुटेज चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको लोड करूँ, मैं अगर यहाँ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे वो मैंने जो भी फुटेजेस अभी लोड किए हैं वो यहाँ पे आ गए, लाइक सोर्स बॉय जो मेरा फर्स्ट है वो अगर मैं स्विच करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सोर्स पे जाके इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगेन क्लिक सेकेंड फुटेज एंड थर्ड फुटेज। ओके तो इस तरह हम स्विच कर सकते हैं इन बिटवीन वीडियोस। अब आ जाते हैं हम अपने इस प्लेहेड पे। तो यहाँ पे जो प्लेहेड है उसे अगर मैं मूव करता हूँ अपने माउस से तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है। ओके नेक्स्ट आपके पास प्ले के लिए ऑप्शन है यहाँ पे प्ले बटन, तो आप प्ले कर सकते हैं, देन पॉज कर सकते हैं या फिर आप स्पेस बार यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। जब भी मैं प्रेस करता हूँ स्पेस बार तो ये प्ले होता है, देन मैं अगेन प्रेस करता हूँ तो ये पॉज हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट फ्रेम मूव करने के लिए वन फ्रेम फॉरवर्ड आप इसको क्लिक कर सकते हैं, वन फ्रेम बैकवर्ड आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ पे अपने सोर्स पैनल पे रॉ फुटेजेस लेते हैं तो बहुत सारा अनवांटेड क्लिप्स होता है या फुटेज होता है जिनमें से हमको अपने फुटेज सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है लाइक मार्क इन एंड मार्क आउट। अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे मैं आके यहाँ पे एक क्लिक कर सकता हूँ मार्क इन एंड अगेन मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूँ मार्क आउट एंड देन ये पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल फुटेज में से ये मेरा सेलेक्टेड फुटेज है जो मैं अपने टाइमलाइन पे चाहता हूँ। ओके मैं यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ और ये मेरे आउटपुट में काम आएगा। ओके इसको हम आगे देखेंगे एडिटिंग पे, अभी राइट क्लिक एंड मैं करता हूँ क्लियर इन एंड आउट। ओके सेम
जब भी आप मार्क इन मार्कआउट करते हैं, मैं अंडू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका गो टू इन। मीन अगर मेरा प्ले हेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क इन के फर्स्ट पॉइंट पे आ जाए, तो मैं ये प्रेस कर सकता हूँ, या फिर मैं ये प्रेस कर सकता हूँ मार्क आउट पे आ जाए तो ये प्रेस कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्क इन का शॉर्टकट है आई एंड मार्क आउट का शॉर्टकट है ओ। तो अगर मैं चाहता हूँ, लाइक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और जब भी मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, लाइक मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, तो मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, अब मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं आई प्रेस करता हूँ, और यहाँ तक चाहिए तो मैं ओ प्रेस करता हूँ। तो ये हो गया मेरा मार्क इन मार्क आउट। एंड अगर मैं शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो मैं मार्क इन पे आ जाता हूँ, और शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ तो मार्क आउट पॉइंट पे आ जाता हूँ। ओके, सेम हम फिर से इसको क्लियर करते हैं, और मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ इसके लिए, जिसको हम कहते हैं जे के एल। ओके, तो जे के एल क्या होता है, यहाँ पे जे होता है बैकवर्ड प्ले, के होता है आपका पॉज, एंड एल होता है आपका फॉरवर्ड प्ले। तो अगर मैं कीबोर्ड पे फॉरवर्ड प्ले करना चाहता हूँ तो मैं एल प्रेस कर सकता हूँ। ओके, अब मैंने एक टाइम प्रेस किया एल, सिंगल टाइम, तो वो इस स्पीड पे चला। ओके, मैं वापस से आ जाता हूँ, और इस बार मैं डबल प्रेस करता हूँ एल, तो उसका स्पीड देखिए। ओके, तो मैं उसका स्पीड भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगेन मैं लास्ट फ्रेम तक आ गया हूँ, तो मैं प्रेस करता हूँ जे, तो ये बैकवर्ड प्ले हो रहा है वन टाइम। अगर मुझे स्पीड चेंज करना है तो मैं डबल प्रेस या ट्रिपल प्रेस कर सकता हूँ। ओके, एंड अगर अगेन मैं फॉरवर्ड प्ले कर रहा हूँ, प्रेसिंग एल ऑन माई कीबोर्ड, एंड मैं प्रेस करता हूँ के, तो ये हो गया पॉज। ओके, तो जे के एल ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगर मैं के प्रेस करता हूँ, जो कि पॉज है, और साथ में मैं एल प्रेस करता हूँ, तो मैं किसी भी फुटेज को स्लो मोशन में देख सकता हूँ। ओके, सेम अगेन अगर मैं के प्रेस करके रखता हूँ कीबोर्ड पे, एंड जे प्रेस करता हूँ, तो मैं रिवर्स मोड में लाइक उसको बैकवर्ड प्ले कर सकता हूँ स्लो मो में। ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारे सोर्स पैनल के बारे में। यहाँ पे आप वीडियो का टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं, एंड अभी मेरा प्ले हेड कहाँ पे है वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जूम मिलता है, लाइक मैं 10% 25% या मैं फिट करना चाहता हूँ पैनल, तो वो देख सकता हूँ। जब भी आप यहाँ पे मार्क इन या मार्क आउट करते हैं, तो अगर आपको ये फुटेज ड्रैग करना है टाइमलाइन पे, तो मैं यहाँ से वीडियो ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ से हम ऑडियो ड्रैग कर सकते हैं, मतलब ड्रैग ओनली ऑडियो, ड्रैग ओनली वीडियो, और मुझे अगर दोनों ड्रैग करना है तो मैं उसे यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ अपने टाइमलाइन पे। तो ये हम आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे आगे टाइमलाइन पे और प्रोग्राम पैनल पे, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलता है इसका नोटिफिकेशन। एंड अगर आपका कोई दोस्त जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सजेस्ट कीजिए उनको, ताकि वो भी सीख सकें। एंड टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप मुझे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।